बहुत बढ़िया, ये बेस्ट पार्किंग है, अब तक की बेस्ट पार्किंग है ये अब तक की बेस्ट पार्किंग है जो रिवर्स पार्किंग है। प्रहलाद, हाँ प्रहलाद जो मीना है वो नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे टेस्ट के, प्रहलाद मीना। प्रहलाद मीना से मैं उम्मीद रखना चाहूंगा कि इन्होंने गाड़ी जो मेरे सामने पहले चलाई है उसके उम्मीद के हिसाब से ये गाड़ी का जो टेस्ट है वो क्लियर कर लेंगे अच्छे से। वैसा प्रश्न किया है कृष्ण जो हमारा कृष्ण मीना है उन्होंने काम भी गलती की है, बाकी अब तक के कैंडिडेट सारे पास हो गए हैं। इस कृष्ण को स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये है प्रहलाद मीना, प्रहलाद मीना अभी फॉरवर्ड में चला रहे हैं। रोड थोड़ी थोड़ी सबको परेशान कर रही है लेकिन कोई बात नहीं, धूप से आपको विटामिन डी मिलने वाली है। हाँ अभी टाइम उतना ही हुआ है जिससे आपको विटामिन डी मिल सके। ये राहुल भाई ने हमारी व्यवस्था की है सारी की सारी, जो यहाँ का ये माइक वगैरह का सिस्टम है ये राहुल भाई का योगदान है। पार्किंग फॉरवर्ड में बहुत अच्छी लगाई है प्रहलाद मीना, और स्पीड जो है वो काबिले तारीफ है, इसकी जो स्पीड है वो काबिले तारीफ है। थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है कि इसकी जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का जो थामने का तरीका है, उसको घुमाने का तरीका है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अगर ज्यादा तारीफ कर दी जाए तो वो कृष्ण की तरह भी कर सकता है। हाँ तो इसलिए मैं अपनी तारीफ को थोड़ा सा अपने पास रखता हूँ। और ये क्या कर रहा है आग मतली लाला लाला, को थोड़ा सा हटा लेते हैं ऑप्टिकल से तो आपकी गाड़ी आगे जरूर बढ़ेगी, इसका जो है हमने एक्सपीरियंस ले रखा है। तो थोड़ा सा अपनी गाड़ी का मिरर जो है चेंज करने में टाइम ना लगाएं, मिरर चेंज करने में अगर आपने टाइम लगाया तो आपकी गाड़ी जरूर इधर उधर होने वाली है। बिल्कुल टच होते हुए आपका जो टायर है भाई अगले वाला बिल्कुल टच होते हुए आ रहा है, ठीक है लाइन के टच होते हुए आपका टायर आ रहा है। ये है प्रहलाद मीना, इन्होंने फॉरवर्ड में बहुत अच्छी लगाई है लेकिन रिवर्स में गलती की है। हमारे जो जूरी के सदस्य हैं बिल्कुल नजर टिकाए हुए उनके नंबर वगैरह जो है डिसाइड कर रहे हैं यहाँ से। प्रहलाद मीना, प्रहलाद मीना ये जो पोलार्ड था पास में, इस पोलार्ड के अगर पास होके आप गाड़ी को लेते, अगर ये पोलार्ड के पास में होके आप गाड़ी को लेते तो आपकी जो पार्किंग है वो अच्छे से आती और अगला टायर आगे नहीं जाता, ठीक है। तो ये गलती दो बार इन्होंने गाड़ी में रिवर्स में दो बार लाइन पे टच किया है। नागौरी वैसे बहुत फेमस है यहाँ पे ऑप्टिकल वगैरह में चलाने के लिए, लेकिन देखते हैं कि नागौरी क्या कर पाता है। घबरा जी, मतलब नागौरी सही लगा, देखते हैं आप। कोई भी बंदा अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट ना करे कि ये जो टेस्ट है वो प्रेशर है, अरे प्रेशर नहीं है, आप ऐसे समझो कि अपना डेली का राउंड चल रहा है, अपना डेली का जो राउंड है वो चल रहा है। और जो हॉस्टल से बाहर के जो बंदे आए हुए हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है पानी वगैरह के लिए, तो वो अपना रिलैक्स करें पेड़ों के नीचे थोड़ा सा और देखते रहे कि टेस्ट कैसे क्लियर कर रहे हैं बंदे। हाँ थोड़ा सा धूप अगर लग रही है तो आप उधर ये पेड़ वगैरह के नीचे बैठ सकते हैं। हमारे सूरज जी हैं बिल्कुल एक एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं साथ में कि बंदा क्या गलती कर रहा है, और आज इनका सारा पता चल रहा है कि कितने पानी में है, ये बंदे कितने पानी में है और कितने जो है इनका जो सही आ रहा है ऑप्टिकल वगैरह। तो हमारे
विक्रम भाई है चोरों वाले गुंडनों वाले, तो वो एकदम ऑब्जर्व कर रहे हैं बंदे को भी, ये गलती क्या कर रहा है। इसमें जो कहता है बंदा, ये नागौर का है, नागौर का महंगा एक नंबर महंगा नागौर से ले लेगा, जाते जाते के ठीक ले लेगा, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या कर जाता है। मेरे को लग रहा था कि नंदा कहीं पे टच कर देगा गाड़ी को, लेकिन टच नहीं किया है कहीं पे भी, बहुत बढ़िया से टैकल कर रहा है गाड़ी को। तो ये प्रतिभा होती है, लेकिन उसने यहाँ पे कुछ इसके लिए हम इंजीनियर